हेलो मेरी जान, स्वागत है तुम सबका सिने टेल्स के एक और एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। और इस हफ्ते काफी सारी बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं फ्रॉम द मूवीज लाइक सलार, KGF 3, कांतारा 2, कल्कि, हनुमान, अश्वत्थामा और इनके अलावा और भी कई सारी बड़ी अपडेट्स। तो वो सबकी सब कवर करनी है, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो इस वीक की सबसे बड़ी अपडेट्स में से एक है सलार को लेके। सलार मूवी को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया जाएगा। होमवाले फिल्म्स ने ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी है। फिल्म का रन टाइम होगा लगभग 2 घंटे 55 मिनट का। फिल्म के प्रोड्यूसर होमवाले फिल्म्स वाले विजय किरगंदूर ने एक इंटरव्यू में सलार, केजीएफ एंड कांतारा 2 को लेके कई सारी स्टेटमेंट्स दी। और साथ ही प्रशांत नील के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जो जूनियर एनटीआर के साथ आने वाली मूवी है उसके बारे में भी अपडेट्स दी। तो आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले तो उनसे एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा गया सलार और उग्रम के कंपैरिजन के बारे में कि क्या सलार डायरेक्टर प्रशांत नील की पहली मूवी उग्रम की रीमेक है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि प्रशांत नील दोनों फिल्मों के क्रिएटर हैं, दोनों दुनियाओं के क्रिएटर हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि कैसे अपने दो प्रोडक्ट्स को अलग रखना एक दूसरे से, एंड सलार उग्रम रीमेक नहीं है। फिर उनसे सलार के ट्रेलर को लेके जो सबसे बड़ी शिकायत थी उसके बारे में भी पूछा गया कि सलार में प्रभास हीरो हैं लेकिन प्रभास की एंट्री इतनी लेट क्यों दिखाई, जिसके जवाब में उन्होंने वही कहा जो हम ऑलरेडी ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि यूजुअली ट्रेलर कुछ इस तरह से कट करने की कोशिश की जाती है कि उसमें मूवी की कहानी और उसके नैरेटिव के बारे में कुछ ज्यादा रिवील ना हो, इसीलिए ज्यादातर हीरो के ऊपर फोकस रहता है। लेकिन सलार के केस में प्रशांत नील चाहते थे कि ऑडियंस को पता चल सके कि मूवी की कहानी और उसका नैरेटिव क्या है, और वो बाकी के दूसरे कैरेक्टर्स पे भी फोकस करना चाहते थे। इवन KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर के साथ भी यही सेम सीन था। और ये प्रशांत नील का स्टाइल है और ये काफी बोल्ड डिसीजन था। साथ ही उन्होंने मूवी की कहानी को भी थोड़ा नैरेट किया कि लाइक खानसार की जो टेरिटरी है वो ऑटोनोमस है, जहां पे किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वहां पे काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होती है। ये काफी मासी है और इसलिए वहां के लोग भले ही मॉडर्न टाइम में रह रहे हो लेकिन उनकी ड्रेसिंग सेंस ज्यादातर पुरानी ही है, अपने एंसेस्टर्स की तरह। इसके बाद विजय किरगंदूर ने कांतारा चैप्टर 1 की कहानी को लेके भी कुछ इनसाइट शेयर की। उन्होंने बताया कि ये कर्नाटका के कोस्टल एरियाज की कहानी है जिन्हें भगवान परशुराम ने बसाया था, और इस कहानी में भगवान शिव का रोल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसका जो पोस्टर हमें देखने को मिला था उसको भी मेटाफोरिकली भगवान शिव और परशुराम के मेटाफोर के तौर पे ही डिजाइन किया गया था, जिसमें ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर हाथ में कुल्हाड़ी और त्रिशूल लिए हुए नजर आया था हमें। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में वहां के लोकल कल्चर के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। इसकी मोस्टली शूटिंग श्रीलंका के जंगलों में होगी और ये मूवी 2024 के एंड में या 2025 के स्टार्टिंग में रिलीज हो जाएगी। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि सलार पार्ट 1 के बाद प्रशांत नील किस प्रोजेक्ट पे पहले काम करेंगे, सलार पार्ट 2 या फिर KGF 3, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जानने से पहले मैं कांतारा से जुड़े एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। एक कनाडा मूवी का प्रोमो मैंने देखा, विच इज कारावली एनिमल वर्सेस ह्यूमन, और भाई इसे देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया। मतलब इस प्रोमो ने काफी हॉरिफाइंग इफेक्ट पैदा किया है माइंड में, मुझे बहुत पसंद आया। ये कहानी कंबाला स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड का एक्सप्लोर करने वाली है। हां, सेम वही जो हमने कांतारा में देखा था, वो भैंसों की दौड़ वाला स्पोर्ट्स। और मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली ये जो लास्ट वाला जो शॉट दिखाई दिया हमें। खैर, अब हम वापस से अपनी KGF 3 वाली अपडेट पे आ जाते हैं। तो विजय किरगंदूर से जब पूछा गया कि पहले KGF 3 आएगी या सलार 2, देन ही सेड कि सलार 2 ऑलरेडी पाइपलाइन में है, और जहां तक KGF 3 का सवाल है तो वो डिपेंड करेगा जब यश और प्रशांत नील एक साथ फ्री हो जाएंगे। लेकिन इसी सेम सवाल पे प्रशांत नील ने भी एक इंटरव्यू के दौरान अपनी स्टेटमेंट दी थी। उनके अकॉर्डिंग सलार पार्ट 1 के बाद वो पहले NTR 31 पे काम शुरू करेंगे और June 2024 में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, और KGF 3 के लिए फैंस को भी वेट करना पड़ेगा। हालांकि KGF 3 के अनाउंसमेंट से पहले उसकी स्क्रिप्टिंग का काम पूरा हो चुका है। इवन KGF 2 के एंड में जब KGF 3 का हिंट दिया गया था उसके पहले ही प्रशांत नील उसके स्क्रिप्टिंग पे काम पूरा कर चुके थे। वेल, ये तो अच्छी बात है। फिर उन्होंने NTR 31 के बारे में और बताते हुए कहा कि ये फिल्म नई तरह के इमोशंस के साथ होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ये कहानी मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं है, मुझे उम्मीद है कि दर्शक इससे भी जुड़ पाएंगे। खैर, ये तो हुई उनकी बात, लेकिन इंटरेस्टिंगली एक छोटी लड़की का इंटरव्यू सलार मूवी को लेकर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है इन दिनों, जिसके अकॉर्डिंग ये लड़की सलार मूवी के एक सॉन्ग में कोरस सिंगर है, और इनके अकॉर्डिंग मूवी में हमें प्रभास और पृथ्वीराज के साथ यश भी दिखाई देने वाले हैं। अब क्योंकि ये इंटरव्यू जिस लैंग्वेज में है मुझे ऑब्वियसली वो लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, लेकिन इस इंटरव्यू में प्रभास अंकल, यश अंकल और पृथ्वीराज अंकल इतना तो सुनाई दे रहा है। और इसके बाद से एक न्यूज काफी वायरल होनी शुरू हो गई कि सलार के इंटरवल ब्लॉक में यश के रूप में हमें एक सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि अगर ये सच है तो ये सरप्राइज नहीं रहा। खैर, अब चूंकि प्रशांत नील ने काफी जोर देके कहा है कि
एसएलआर केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है। तो अब ये अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं कि यश इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस देंगे, लेकिन रॉकी के कैरेक्टर में नहीं बल्कि किसी और कैरेक्टर के रूप में। वेल लेट्स सी क्या होता है, किसकी बात सही निकलती है। नेक्स्ट अपडेट है प्रभास की ही कल की 2898 AD से। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स की टीम ने कल के सेट पे विजिट किया था, विच क्लियर की इस फिल्म का OTT वर्जन नेटफ्लिक्स पे आएगा। और इसी मौके पे मूवी के एक एक्टर ने मूवी से जुड़ी काफी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर की। कल्कि के ट्रेलर में हमें ये कैरेक्टर दिखाई दिया था जिसकी एक टाइम पे शायद डेथ हो जाती है मूवी में। इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे एक्टर आयाज पाशा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, ये मेरी लाइफ के सबसे डीपली सेटिस्फाइंग मोमेंट्स में से एक है। मैं लगभग 2 साल पहले कल्कि के सेट पे पहली बार आया था। कल्कि मूवी के लिए वैसे तो सबने बहुत मेहनत की है, लेकिन ये मूवी हम एक्टर्स से ज्यादा टेक्नीशियंस की फिल्म है। इस मूवी को बनाने के लिए जिस तरह से खून पसीना बहाया गया है वो कोई मजाक नहीं है। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अभी तक इंडिया में ऐसी फिल्म नहीं बनी है। और मैं ये बस बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं इसको लेके पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। वेल कल्कि की टाइटल अनाउंसमेंट ग्लिम्स देखने के बाद तो पर्सनली मैं भी आयास की बात से समर्थन करता हूँ। मुझे अभी भी याद है जब हम आधी रात को लाइव पॉडकास्ट में इसके ग्लिम्स देख रहे थे, मुझे खुद अपने रिएक्शंस देख के फिर से गूज़बम्स आ जाते हैं। और ये सही में गूज़बम्स की बात हो रही है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। नेक्स्ट अपडेट है प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स की पहली मूवी हनुमान से। एक डायरेक्टर प्रशांत है जो सिनेमेटिक यूनिवर्स को लेकर डिनाई किए जा रहे हैं, दूसरे डायरेक्टर प्रशांत यूनिवर्स की पहली मूवी आने से पहले ही 6 मूवीज की प्लानिंग किए बैठे हैं। ये सब क्या चल रहा है भाई। वेल हनुमान मूवी के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने ट्रेलर की डेट अनाउंस कर दी है, जो कि है 19 दिसंबर, जिसके साथ उन्होंने लिखा टाइम टू अनलीश द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो इन द यूनिवर्स। वेल इससे लग रहा है कि भाई प्रशांत वर्मा साहब अपने प्रोडक्ट को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और मैं इस कॉन्फिडेंस से बहुत खुश भी हूँ। आई होप कि ट्रेलर हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। नेक्स्ट अपडेट है अपने कबीर सिंह यानी कि शाहिद कपूर की नई मूवी से, जो कि है अश्वत्थामा। गणपत वाले प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट के पास पैसे के पेड़ लगे हैं, या फिर शायद उनके हाथ शाहिद कपूर की फर्जी नोट छापने वाली मशीन लग गई है, जो उन्होंने अब शाहिद कपूर के साथ ही एक मूवी बनाने की सोची है, वो भी अश्वत्थामा के कैरेक्टर को लेकर। मतलब ये मूवी महाभारत की बैकड्रॉप पे बेस्ड होगी, जिसमें शाहिद कपूर अश्वत्थामा का कैरेक्टर प्ले करेंगे, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं रक्षित शेट्टी की कन्नड़ा मूवी अवनेय श्रीमन नारायण के डायरेक्टर सचिन रवि। वैसे पूजा एंटरटेनमेंट वाले सालों पहले सूर्यपुत्र कर्ण पे भी मूवी अनाउंस कर चुके थे, प्रॉपर एक प्रोमो भी निकाला था उन्होंने, लेकिन वो मूवी अभी तक दर्शन नहीं दे पाई है थिएटर्स में। उस मूवी को उसके राइटर डायरेक्टर साहब वापस से साउथ लेके चले गए, और उसके साथ अब क्या हो रहा है वो खुद ही कर रहे हैं बस अकेले। अगर वो जानना है तो इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने डिटेल में अपडेट्स दी हुई है। इसका उन्होंने ट्रेलर भी निकाला था कियान विक्रम के साथ। खैर अश्वत्थामा पे मूवी बनाना हलवा नहीं है, ऑलरेडी इस कैरेक्टर की इतनी हाइप बन चुकी है। अभी कल की मूवी में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को लेके, ऊपर से आदित्य धार वाली मूवी द इमोर्टल अश्वत्थामा भी अटकी हुई है कब से। पहले विकी कौशल के साथ अटकी थी, अब बिना विकी कौशल के अटकी हुई है, पता नहीं कब तक अटकी रहेगी। वैसे पूजा एंटरटेनमेंट की बड़े मियां छोटे मियां भी पाइपलाइन में है, लेकिन उसके डायरेक्टर पे लोगों को भरोसा है अभी भी, क्योंकि वो डायरेक्टर टाइगर जिंदा है जैसी मूवी दे चुके हैं। ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि बड़े मियां छोटे मियां का टीजर हमें ऋतिक की फाइटर के साथ थिएटर्स में देखने को मिलेगा, और ये मूवी 10 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी। वैसे जब फाइटर की बात हुई है तो मैं बता दूं कि इसका फर्स्ट सिंगल 15 दिसंबर को रिलीज होगा, और 15 या 16 दिसंबर को प्रभास की सालार का ट्रेलर 2 भी आ रहा है। वेल अभी हमने अश्वत्थामा के बारे में बात की, तो अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना ने भी कहा है कि वो भी एक पौराणिक कैरेक्टर करने के चक्कर में है। उन्होंने कहा कि उन्होंने थिएटर किया है तो उनकी हिंदी भी काफी अच्छी है, और वो कॉलेज में धर्मवीर भारती जी के फेमस नाटक अंधा युग पे थिएटर प्ले कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने अश्वत्थामा का कैरेक्टर ही प्ले किया था, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। आयुष्मान भाई इनडायरेक्टली आदित्य धर को मैसेज भेज रहे हो क्या कि मोटा भाई को मना लो और मुझे ले लो अश्वत्थामा कैरेक्टर में। वैसे बात जब निकली है तो दूर तो लग जाएगी, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है जूनियर NTR और अपनी जानू की मूवी देवरा से, जो कि 5 अप्रैल 2024 को रिलीज हो रही है, और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसका टीजर इसी महीने दिसंबर में ही देखने को मिल सकता है। और मैं इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं भाई। हॉलीवुड से स्टंटमैन आए हैं इस मूवी का अंडर वाटर सीक्वेंस को शूट करने के लिए, और मेकर्स के अकॉर्डिंग वो सीक्वेंस कॉमेन के लेवल का होगा भाई, मजाक बात नहीं है। नेक्स्ट अपडेट है कार्तिक आर्यन की मूवी भूल भुलैया 3 से, जिसमें उनके साथ इस बार सारा अली खान दिखाई देने वाली हैं। इसके पहले हम इन्हें लव आजकल में एक साथ देख चुके हैं, और अब चूंकि इस फिल्म में लीड हीरोइन चेंज हो चुकी है, तो आई थिंक मूवी की कहानी पिछले पार्ट से कनेक्ट तो होने वाली नहीं है, लेकिन हो भी सकती है, लेट्स सी। अभी तो नेक्स्ट ईयर फैब में इसकी शूटिंग शुरू होनी है। नेक्स्ट अपडेट है सैम बहादुर की डायरेक्टर मेघना गुलजार की नेक्स्ट मूवी से, जिसमें अब सिद्धार्थ मल्होत्रा दिखाई देने वाले हैं। यह फिल्म एक डरावनी सच्ची घटना पर आधारित होगी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मेघना ने सालों पहले इसकी स्क्रिप्टिंग पे अपनी रिसर्च पूरी कर ली थी, और इसकी शूटिंग 2024 मिड में शुरू की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा स्त्री वाले प्रोड्यूसर दिनेश विजान की फिल्म भी साइन कर चुके हैं, जिसमें वो अपनी जानू के साथ नजर आने वाले हैं। जानू पहले भी दिनेश विजान की मूवी रूही में काम कर चुकी
दी है। और आज की लास्ट अपडेट है सनी पाजी की मूवी बॉर्डर 2 से, जिसपे नई अपडेट आई है कि इसके लिए डायरेक्टर का नाम फाइनलाइज हो चुका है। ये फिल्म 1997 में आई जेपी दत्ता साहब द्वारा डायरेक्टेड बॉर्डर का सीक्वल होगी और इस बार जेपी दत्ता साहब ने टी सीरीज के साथ हाथ मिलाया है। पहले सुनने में आ रहा था कि इसको आदि पुरुष वाले ओम राउत साहब डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन अब इनिशियल थॉट्स के बाद अब उनका नाम पास ऑन हो चुका है और अब इस मूवी के लिए अक्षय कुमार की केसरी मूवी को डायरेक्ट कर चुके डायरेक्टर अनुराग सिंह का नाम फाइनलाइज किया जा रहा है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें जल्दी सुनने को मिल सकती है। वेल, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मेरा काम हो गया है, अब तुम लोगों की बारी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो होता है सब कर दो। जो जो बटन तुम्हें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर सब पेल दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।